राकेश जी की जैसी फिल्मों में होता है, हर फिल्म में शेड अलग ही होता है। आज मैं अंदर आ रहा था अभी, तो जो आवाज़ें म्यूज़िक की मेरे कान में आ रही थी, एकदम से मुझे लगा कि ये इतना डिफरेंट क्यों है। फिर मुझे ऐसा लगा नहीं, राकेश की फिल्मों में कुछ अच्छा हो ही जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप ही म्यूज़िक देते हैं उनकी फिल्मों में, तो ऐसा क्यों? इसकी क्रेडिट उसी को जाती है, राकेश को ही जाती है, क्योंकि क्या फिल्म की प्लानिंग है और किस तरीके से म्यूज़िक मुझसे लेते हैं, तो एक म्यूज़िक डायरेक्टर खुद ही फील करता है कि ये म्यूज़िक डिफरेंट है। द क्रेडिट गोज़ टू हिम। अच्छा, कितने गाने हैं इसमें? मेरे ख्याल 6 गाने हैं। कुछ याद है मतलब किस तरह के गाने हैं? काफ़ी दिनों से पिक्चर बन रही है, लेकिन सारे गाने मेरे जहन में हैं। बहुत अच्छे गाने हैं और जावेद साहब ने बहुत अच्छे लिखा है सारे गानों को। Quiet please, silence, silence boys. अगर असली देता तो क्या बता रहा है? मुझे पता नहीं कि 6 गाने किस तरह के हैं। सब गानों के बारे में बोलना तो इस समय मुश्किल हो जाएगा, पर कहो ना इज़ अ टिपिकल राकेश जी की फिल्म में एक मसाला और रोमांटिक गाना होता है, वो उसी को कैटर करता है। अच्छा, और जो दूसरा गाना है जो बता रहे हैं, बता सकते हैं? एक गाना उसमें हस्बैंड वाइफ का गाना है, आरजू के बाहों में। उस गाने के वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। उसमें एक हस्बैंड क्या देता है अपने घर को और एक वाइफ का क्या फ़र्ज बनता है, वो सारा कुछ उसमें उस गाने में लिखा गया। बहुत बहुत ही खूबसूरत गाना है। एक सेडक्टिव सॉन्ग भी है जो मैंने लिखा शायद। हाँ, एक सेडक्टिव था, मतलब अली शाह चेन्नई ने गाया है, बहुत खूबसूरत गाया उसने, सुनने लायक है वो भी। सारे गाने अच्छे हैं। स्लाइटली लोअर रोल, स्लाइटली फॉरवर्ड, दैट्स इट, कम डाउन, नो प्रेशर प्लीज, स्लाइटली बैक, दैट्स इट। Okay. Try to move. Slightly low. Order. All right. Taken. Camera. Yes, roll action. Turn. Cut. Lyrics के बारे में क्या? लिरिक्स के बारे में देखिए, पहले हम लोगों ने फिल्म की थी राकेश, मैंने और जावेद साहब ने, वो थी खेल, और इडली डू गाना था, काफ़ी गाने अच्छे थे उसमें। उससे भी मुझे लगता है कि इस फिल्म के गाने बेटर हैं, इट्स बेटर रिटन। इज देयर एनी पोएट्री इन दिस लिरिक्स, समथिंग लाइक दैट? देयर इज अ लॉट ऑफ पोएट्री इन इट। आपको आज के टाइम में इतनी अच्छी पोइट्री कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यस, पुटन इज़ बेस्ट, जावेद साहब इज़ पुटन इज़ बेस्ट। अच्छा, आफ्टर सक्सेस ऑफ कवर अप यार, क्या कहना, व्हाट डू थिंक अबाउट दिस? आई थिंक अगेन दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी वेल मेड फिल्म, और क्या कहना कि फिल्म फंक्शन पे भी मेरे मुँह से यही निकला था कि आप देखिएगा ये फिल्म ज़रूर चलेगी, और आज भी मेरा दिल यही कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ द फिल्म बीइंग मेड इन अ लॉट ऑफ इयर्स,
चार पाँच साल से फिल्म बन रही है, पर फिर भी मैंने जब फिल्म देखी तो मैं रोया फिल्म देखकर, और मुझे ये लगता है कि ये फिल्म ज़रूर चलेगी। अपनी म्यूज़िक के बारे में क्या? म्यूज़िक के बारे में तो आपको बोलना जी मैं क्या बोलूँगा बताइए। आप इस साल आपकी दो फिल्में हिट हुई दोनों की, ये जो देखिए ऊपर वाले ने एक गिफ्ट जैसे दिया है ऐसा है, दो फिल्में ही चली इस साल और दोनों में मेरा ही म्यूज़िक है, तो इससे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। ऐसा लगता है कि फिल्म म्यूज़िक और एक हिस्सा बन जाए, मतलब हैंड इन ग्लव बन जाए, ऐसा दिल करता है कि फिल्म के साथ मिल जाए म्यूज़िक, ऐसा कुछ म्यूज़िक दे पाऊँ। आप हैट्रिक का इरादा रखते हैं कि नहीं इस फिल्म? आशा तो है। ओवरऑल म्यूज़िक इस एल्बम को क्या कहेंगे? अबाउट कारोबार, ओवरऑल मेरा, मुझे ये एल्बम बहुत पसंद है, मैंने इट्स एन एक्सलेंट एल्बम, और मुझे यकीन है कि जो म्यूज़िक लवर्स हैं वो जब सुनेंगे दे विल एग्री विथ मी, बिकॉज इतनी अच्छी पोइट्री और ट्यून तो मैं नहीं कर सकता हूँ, वो तो आपको सुन के कहना पड़ेगा, आपको मुझे नहीं लगता कहीं सुनाई देगा। अच्छा, इस एल्बम को ये कहा जाए कि ये राजेश रोशन का मूड है? राजेश रोशन का मूड है जिस तरह की म्यूज़िक है? Yes, you can say that. Because राकेश तो उससे दूर जा ही नहीं सकता, अगर पूरी छाप नहीं आ जाए जब तक मेरी, वो ट्यून लेगा ही नहीं। थैंक यू। आप पीछे घूमना फिरना बंद करिए। Pick up the glasses. Can no flash please, one minute. Study. One more. Ready? Yeah, look here. Yeah. Ready? Study. Okay. Nice talk. Yeah, man.